बसव कल्याण गांधी चौक के रेना गली में मास्टर हुरकुट्टे जो के अपने घर का काम कर रहे हैं। घर के काम के साथ साथ उनके घर के पिछले हिस्से में सरकारी संपत्ति है, उसको भी तोड़ रहे थे, जिसके चलते उस पहाड़ का एक हिस्सा बिखर कर नीचे गिरने के वजह से उसके दो टुकड़े हो गए और वो दो टुकड़े आकर सामने वाली दुकानों को टकराया। इसके वजह से दुकान का टीन फाड़ कर अंदर आया और दूसरा टुकड़ा कब्रिस्तान और मंदिर के पहाड़ के टुकड़े से टकराया। इसके चलते मंदिर का पहाड़ का टुकड़ा मंदिर पे गिर गया। इसमें जान की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन उन दुकानदारों का काफ़ी नुकसान हुआ है और मंदिर का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जब मास्टर हुरकुट्टे जी अपने प्लॉट के साथ सरकार के पहाड़ को बताया जा रहा है कि पिछले 8 से 10 दिनों से तोड़ा जा रहा है। रेना गली में बहुत सारे लोग सरकार के पहाड़ को तोड़कर घर और कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं। क्या ये सीएमसी कमिश्नर और बसव कल्याण के तहसीलदार हैं या कोई भी अधिकारी को क्या ये दिखाई नहीं दे रहा या देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है या इस काम में अधिकारी भी शामिल हैं? बसव कल्याण के बीचों बीच अगर ऐसे ही गलत काम होने लगेंगे तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? जमीन मालिक के जमीन का जायजा करके आखिर किसके कहने पर या किसके परमिशन से बिना किसी सेफ्टी के काम कर रहा था? इसका जायगा किया जाए और इस पर कार्यवाही की जाए और कहीं ना कहीं ये गलत कामों को रोका जाना चाहिए। ऐसे ही बड़े खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी यहाँ पे क्या चल रहा था और नुकसान जो दिख रहा है इसके बारे में क्या बोलेंगे? यहाँ पे बाजू को काम चल रहा था, वो मास्टर साहब का घर का डिमोलिशन करके उन्होंने रहने पे खोदरी कर रहे थे, उसकी वजह से एक रेने का बड़ा ढेकला आके हमारे दुकानों पे गिरा है। भारी नुकसान हुआ है, हमारा जान माल बच गई, ये बड़ी बात है, मगर दुकानों का बड़ा नुकसान हुआ है। अंदर माल था, बड़ी चीज, एक बड़ा ढेकला आके गिरने की वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान, लॉस हो गया है। अब उसमें मैं इतना कहता हूँ मीडिया वाले के सामने अपनी तरफ से, तो अभी आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई क्या आपको क्या जो गिरा है उनकी तरफ से करेंगे या कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे? अभी यहाँ हालत जो बनते ही वो देख के अगर भरपाई होकर नुकसान का भरपाई होती है तो हमारे को क्या भी तकलीफ नहीं, वो गवर्नमेंट जाने, वो ऑफिसर जाने या उन्होंने जाने, हम हमारे नुकसान की बात कर रहे हैं। हमारा जो नुकसान हुआ है वो भरपाई हो, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारा। वो बारिश में पेट अंदर आया था घर में, वो पेट अंदर आप आने से पूछ रहा हूँ, आपकी जगह कितनी है, साइज कितना है जगह का, ये बोलो मुझे आप। 55 है। 55 है। पेपर कहाँ है उसके? है पेपर है। बात तो जिन लाओ पेपर कहाँ लाओ थोड़ा देंगे। और ये इतना अंदर जाने की क्या जरूरत थी आपको? ये पूरा रोना खोद दिया, आधा रहना तोड़ दिया आप। मैंने छटा लिया, छटा कहाँ है, मैं जाके देखा हूँ, पर छटाने के बाद अलग रहती है, छाटने के बाद अलग रही, तुम छाटा छटा नहीं, तुम थोड़ा छाट लिए, वो तो ज्यादा क्या नहीं, मैं देखा, मैं पीछे 50 फीट पीछे दिख रहा हूँ। 50 फीट क्या हमारे कितना है, उतना चुप जरा ज्यादा। तो अभी जो हादसा हुआ उसका क्या करना है आपको, क्या ये जिस तरह से दुकान का नुकसान हो गया, मंदिर का नुकसान हो गया, ये मंदिर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोल रहे हैं लीगल एक्शन जो भी है लेना बोल रहे हैं, आपको क्या है? हम क्या तो समझौता कर लेते। और वो पहाड़ फोड़ रहे हैं सर, पहाड़ का तुम सीएमसी में से वो परमिशन लिए फोड़ने का? फोड़ने का परमिशन लिए, अभी जो काम चालू करे आप, वो परमिशन लिए कि नहीं? भाई परमिशन लिए क्या तुम? हाँ बोल, परमिशन लिए क्या, इंटीमेशन कुछ दिए करे, कुछ करे क्या? लेटरिंग में लाइटिंग दिए थे क्या? तो हाँ भाई बात करो, तो बात करो जरा, दो मिनट बात करो, इतना नुकसान हो रहा है हमारे भाई, जबरदस्ती मत करो।